हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म रिबेका, जिस फिल्म का टोटल रनिंग टाइम 2 घंटे का है और इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज नहीं किया गया है। तो अब चलिए देखते हैं कि क्या आपको आपका कीमती समय इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के बारे में, जिसे फिल्म के ट्रेलर में ही रिवील कर दिया गया कि मैक्सिम ने नई शादी की है, वो भी काफी जल्दबाजी में, जिसके बाद वो अपनी वाइफ को लेकर अपने इंग्लैंड के घर आ जाता है, जहां पर आने के बाद उसे अपने पति के पास्ट के बारे में पता चलता है, जो पास्ट मैक्सिम की पहली पत्नी रिबेका का है, जिसकी अब मौत हो चुकी है। और रिबेका की उस मौत से मैक्सिम अब तक सही तरीके से उभर नहीं पाया है, और ना ही घर के कुछ लोग, खास करके घर की नौकरानी मिसिस डेनवर्स, जो मिस डी विंटर के साथ थोड़ा अजीब सा व्यवहार भी करती है। अब ऐसा क्यों है और रिबेका का पास्ट क्या है, वही सारी जानने के लिए आपको देखनी होगी ये फिल्म रिबेका, जिसे मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इस फिल्म से कोसों दूर रहे, क्योंकि ये फिल्म सिवाय टाइम वेस्ट के और कुछ नहीं। जी हाँ, और अगर आप इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो इस फिल्म को देखने के लिए, तो मेरे हिसाब से आपको 1940 की बनाई गई फिल्म रिबेका देख लेनी चाहिए, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया था अल्फ्रेड हिचकॉक ने। और एक्चुअल में ये फिल्म इसी सेम नाम की लिखी गई नॉवल की एडेप्टेशन है, जो पब्लिश हुई थी ईयर 1938 में, और उस टाइम पर इसकी एडेप्टेशन अल्फ्रेड हिचकॉक ने बहुत ही बेस्ट तरीके से की थी, और आज भी वो फिल्म एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। ऐसे में कल्ट क्लासिक फिल्म का रीमेक करना किसी भी चैलेंजेस से कम नहीं, भले से ही आप नाम नॉवेल का बीच में घुसाकर इसकी एक्सप्लेनेशन क्यों ना दे, लेकिन कंपैरिजन तो होगा ही, और उस कंपैरिजन में अभी की ये रिबेका फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप है। भले से ही फिल्म में हमें देखने के लिए अच्छे एक्टर क्यों ना मिले, और भले से ही फिल्म का डायरेक्शन कितना भी अच्छा क्यों ना किया गया हो, लेकिन अगर फिल्म की स्क्रिप्ट में ही दम नहीं होगा और उसकी प्रेजेंटेशन अगर बहुत ही खराब ढंग से की जा रही है, तो वो फिल्म एक डिजास्टर ही रहती है। और साल 2020 की रिबेका अब उसी एक डिजास्टर का हिस्सा है। यहां तक कि फिल्म की एडिटिंग भी इतनी ज्यादा है कि आपको बीच बीच में नींद आने लगती है कि फिल्म को इतना बोर क्यों बनाया गया है। लेकिन अब जो भी हो, फिल्म बनकर रेडी है और मैंने इसे देखकर अपना टाइम वेस्ट भी कर लिया है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो फिलहाल तो हॉलीवुड में आर्मी हैमर का करियर कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए ही एक और डिजास्टर बोन जैसी फिल्म भी की थी, और अब नेटफ्लिक्स पर एक और कचरा उन्हीं की तरफ से प्रेजेंट किया गया है। आई होप उनका करियर डेथ ऑन द नाइल फिल्म के लिए कुछ अच्छी उम्मीद बनकर आ जाए, वरना मुझे नहीं लगता कि आर्मी हैमर का करियर हॉलीवुड में और आगे टिक पाएगा, या फिर हो सकता है कि वो हॉलीवुड में ऐसी ही बेकार फिल्मों में काम करते रहे। और हाँ, इसके अलावा बात लिली जेम्स की भी करनी चाहिए, जिन्होंने क्या सोच समझकर इस फिल्म को साइन किया, वो बात तो वही जाने, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये फिल्म प्रेजेंटेशन के नाम पर आपके सामने जो कुछ भी प्रेजेंट कर रही है वो कुछ भी नया नहीं है, यानी ऑलरेडी हमने वो सारी की सारी चीजें अल्फ्रेड हिचकॉक के वर्जन की फिल्म में देखी है। बस फर्क ये है कि वो फिल्म एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी और ये कलर और अच्छे डायरेक्शन के साथ बनाई गई फिल्म। बट अगेन मैं कहूंगा कि अगर प्रेजेंटेशन ही बहुत बुरी ढंग से की गई है, तो फिर ऐसी फिल्मों का भी कोई मतलब बनता है नहीं, और ना ही इस वीडियो को ज्यादा लंबा कर। इसलिए इन सभी पॉइंट को छोड़कर आते हैं सीधे इस फिल्म की रेटिंग पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन, सस्पेंस और हॉरर और थ्रिल की, तो इन तीनों ही कैटेगरी में मेरी रेटिंग रहेगी इस फिल्म के लिए 5 में से आधे स्टार की, और कॉमेडी के लिए तो 5 में से 0 स्टार बनता ही है, जो कि इस फिल्म में है नहीं, और ड्रामा के लिए भी मेरी रेटिंग 5 में से 1 स्टार से ज्यादा की नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फिल्म का ओल्ड वर्जन देख रखा है। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस और क्रिटिक्स की, तो इन दोनों की ही नजर में फिल्म की रेटिंग बनेगी B- की, और बात करें मेरी रेटिंग की, तो मेरी नजर में ये फिल्म जैसे कि मैंने कहा एक डिजास्टर है, जिसके चलते मैं इस फिल्म को सीधे सीधे अपनी रेटिंग सिस्टम की सबसे घटिया रेटिंग, यानी कि D की रेटिंग दूंगा। और जाते जाते यही कहूंगा कि आप इस फिल्म से कोसों दूर रहे और अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म रिबेका को लेकर। और हाँ, ये फिल्म फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसी भी नहीं है। तो अब आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इस डिजास्टर फिल्म को देखकर अपने टाइम को वेस्ट किया भी या नहीं। और हाँ, उसी के साथ साथ अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है, तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीत शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा यह कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूं जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।